नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मित्रों, दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि भैया जी, हम किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं या किसी अन्य शक्ति की पूजा करते हैं और वो शक्ति हमारे सामने खुलकर नहीं आती है। हम जिस शक्ति की पूजा करते हैं उसका हमें आभास तो होता है, रात्रि को स्वप्न में भी दिखाई देती है, लेकिन वो शक्ति हमारे सामने खुलकर नहीं आती है। पहले आती थी, पहले हमारा काम भी करती थी, लेकिन अब पता नहीं हमारी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है, क्या कर दिया है, तब से आना बंद कर दिया है, न हमारे पास आती है, न हमारा कोई काम करती है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ और बंधी हुई शक्तियों को खोलने के लिए एक ऐसा मंत्र बताऊँगा, बहुत ही आसान और छोटा सा मंत्र है, और उसी के प्रभाव से आप जो है अपनी बंधी हुई शक्तियों को खोल सकते हैं और अपनी शक्तियों को वापस अपने पास बुला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान लो, जो लोग कहते हैं कि हमारी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है, इस वजह से हमारे पास में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तांत्रिक के बाप में दम नहीं है जो इन शक्तियों को बांध के रख सके। शक्तियां केवल आपकी कमियों के कारण आपको छोड़ के चली जाती हैं और आपका काम नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग इन शक्तियों के बल पर अधर्म का पैसा कमाते हैं, अधर्म का पैसा लूटते हैं, गरीबों को लूटते हैं, निर्दोष व्यक्तियों को सताते हैं। ऐसे में ये शक्तियाँ खुद आपका साथ छोड़ करके चली जाती हैं। देखिए भाइयों, जो व्यक्ति परेशान होता है और वो व्यक्ति आपके पास में आया कि भैया आप हमारा इलाज कर दो, हमारी परेशानी को दूर कर दो, लेकिन आप उस गरीब से 10 की जगह आप 10,000 रुपये लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये शक्तियां भैया इतनी पागल नहीं हैं कि आप उनके बल पर गरीबों को लूट रहे हैं, निर्दोष को सता रहे हैं, तो ये शक्तियां आपका साथ दे दें देगी। जितनी आपने मेहनत की है उतना आपका साथ देगी, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक छोड़ करके आपको चली जाएगी, फिर आपके पास कभी भी नहीं आएगी। कोई भी तांत्रिक उनको बंधन में नहीं रख सकता, वो बंधन में आपको डाल करके खुद चली जाती हैं और वो कह जाती हैं कि जा, तेरा कर्म तेरे साथ है, अब तेरे पास में कोई भी शक्ति नहीं आएगी। बहुत सारी महिलाएं हैं बेचारी अपने दुख को लेकर के और ऐसे तांत्रिकों के पास में जाती हैं और वो कहती हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। उन औरतों का जो नाजायज तांत्रिक हैं, जो आपराधिक तांत्रिक हैं, और वो इन बातों का फायदा उठा करके और उन लेडीजों के साथ में संबंध बनाते हैं इसी शक्ति के बल पर, तो ऐसे में वो शक्ति आपके पास में कदापि टिक नहीं सकती, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। ये सभी कुछ मेरे साथ बीता हुआ है, मैंने एक वीडियो में खुल करके अपने बारे में पहले भी बताया है। तो दोस्तों, इन शक्तियों को कोई भी बांध नहीं सकता है, ये केवल आपकी कमियों के कारण आपका साथ छोड़ करके जाती हैं। अब आप इनको दोबारा फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी शक्तियां हमारे पास वापस लौट करके आ जाएं, जो आपको छोड़ के चली गई हैं, तो उनको आप दोबारा कैसे ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इसमें विधि विधान और उसका मंत्र और प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुन लें। तो दोस्तों, अगर आपकी शक्ति आपको छोड़ के चली गई है या कहते हैं कि हमारी शक्तियों को किसी ने बांध लिया है, तो उनको खोलने के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए आपको क्या करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर अपनी शक्तियों को आप बुलाना चाहते हैं तो आप किसी भी अमावस्या के दिन एक दोना लेकर के आएं और एक दोना में आप एक पान का पत्ता रखें, थोड़े से पीले चावल रखें, 5 बतासे रखें, 1 लौंग का जोड़ा रखें और 1 उसमें चौमुखा दीपक जला करके रखें, और ये सामग्री आप ले जा करके किसी जलाशय के पास में जाएं, चाहे वो नदी हो, नहर हो, तालाब हो, गंगा जी हो, और चौमुखा दीपक जला करके आप जल प्रवाह
करें और वहां आप हाथ जोड़ करके 2 मिनट के लिए आप मंत्र को पढ़ें। मंत्र है, जल खोलूं थल खोलूं और खोलूं जल की काई, 12 कोश की विद्या खोलूं, दे हनुमत की दुहाई। दोस्तों इस मंत्र का आप कम से कम 21 बार जाप करें और वहां पर रिक्वेस्ट करें, हे जलाशय महाराज, आप हमारी बंधी हुई शक्तियों को खोल दो। जो शक्तियां हमसे रुष्ट हो गई हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और आप हमारी शक्तियों को हमारे पास भेजने का काम करें। तो आप इतना करने के बाद में और उसे जल में छोड़ दें और उसे आगे जाने दें। दोस्तों इस प्रकार से आप लगातार 11 दिन तक करें तो आपकी शक्तियां आपके पास में आने लगेगी और आपके सामने खुल करके खेलने लगे। अगर इस प्रयोग के द्वारा आपकी शक्तियां आपके पास वापस नहीं आती हैं तो मैं आपको एक और प्रयोग बता रहा हूं, उसे भी आप अच्छी तरह से समझ लें। उसमें आपको कोई भी मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि इन महाशक्तियों के सम्राट नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरखनाथ हैं और आप किसी गुरु गोरखनाथ के मंदिर में जा करके और 2 अगरबत्ती उनके नाम की जला करके और उनके चरणों में बैठ करके आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट इतनी देर करें, कम से कम 1/2 घंटा 1 घंटा। यहाँ तक कि दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करते समय आपकी आत्मा दुखी हो जाए और आपकी आंखों से आंसू निकल आए, इतनी रिक्वेस्ट करें कि हे महायोगी गुरु गोरखनाथ, हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं हमें आप माफ़ करिए और जो हमारी शक्ति हमारे पास में आती थी, हमारा काम करती थी, और वो शक्ति हमारे पास दोबारा से फिर आने लगे। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो शक्तियाँ आपके पास में दोबारा आने लगेंगी और वो आपके साथ हमेशा साथ रहेगी। लेकिन दोस्तों जो आपने पहले किया है वो सारी चीज़ें आपको त्यागनी होगी। आपको छल कपट झूठ अधर्म का पैसा ये बिल्कुल भी नहीं कमाना है, तो आपके साथ में ये शक्तियाँ रहेगी और आपका काम करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।